सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम छत्रपाल सिंह है और मैं सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस कंपनी की तरफ से एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर हमने एक किसान भाई के खेत में मैग्नीट्यूड और ग्रोवलम दोनों का स्प्रे कराया था। तो किसान भाई के खेत में जो समस्या थी वो माइट और थ्रिप्स की बहुत ज़्यादा थी और पौधे का विकास सही से नहीं हो पा रहा था। तो हमने मैग्नीट्यूड और ग्रोवलम का दोनों का स्प्रे कराया था 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो किसान भाई के द्वारा सुनवाएंगे कि खेत में जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, वो उन पर कैसा असर हुआ है, दवाई ने कितना काम किया है। किसान द्वारा सुनवाते हैं आपको कि खेत में दोनों दवाइयों ने कितना काम किया है। सर, आप अपना नाम बताइए। राजकुमार वर्मा, इंचो झोना नगर कैनी डाक थाना अलीगंज पास बरेली तहसील औला। अच्छा सर, आपने सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस कंपनी की दो दवाइयाँ लगाई थी, मैग्नीट्यूड और ग्रोवलम। मैग्नीट्यूड जो मकड़ी की दवाई आती है उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिले हैं? हमारा पहले पौधा बहुत इकट्ठा हो रहा था और जो दोनों दवाई लगी थी उससे हमारी कल्ली और पौधे में सुधार मिला है। अच्छा, थ्रिप्स और माइट की जो समस्या थी उससे आपको कितना बेनिफिट मिला है? बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला है और पौधा भी हमारा अच्छा है। अच्छा, दूसरी जो दवाई लगाई थी ग्रोवलम आपने पौधे के विकास और कल्लियों की शाखाएँ बढ़ाने के लिए, पौधे की शाखाएँ बढ़ाने के लिए, उससे आपको कितना बेनिफिट मिला है? जैसे ये प्लांट है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है हमें और बहुत अच्छी कल्ली चल रही है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर, ये जब इन्होंने दवाई लगाई थी अब से लगभग 10 दिन पहले, तो इनके जो प्लांट थे उसमें कल्लियाँ की शाखाएँ भी नहीं निकल पा रही थी सही से। अभी आप देख पा रहे हैं पूरे प्लांटों में अच्छे से कल्लियाँ आ गई और बिल्कुल साफ भी। मैं जो थ्रिप्स और माइट है उसके प्रति सहनशील है पौधा, पूरे खेत में आपको कहीं भी मकड़ी और थ्रिप्स की शिकायत नहीं मिलेगी देखने को। बहुत अच्छा पौधा चल रहा है। तो किसान भाई, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर मिर्च की खेती कर रहे हैं तो ग्रोवलम का प्रयोग करें, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लगेगा। और मैग्नीट्यूड का अगर आप प्रयोग करते हैं तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी जो माइट और थ्रिप्स दोनों की समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।